खाली पेट चाय पीते हो तो आज ही हो जाओ सावधान, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से कई लोग जान से हाथ धो बैठे। चलिए दोस्तों, आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। क्या आपको चाय पीने के बाद भूख नहीं लगती? और क्या चाय पीने के बाद पेट में दर्द मचने लगता है? या चाय पीने के बाद आपको बहुत गर्मी लगती है? अगर ये सब चीजें आपके साथ होती है तो वीडियो से चिपक कर बैठ जाना और वीडियो को आराम से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको चाय पीने के फायदे नहीं बल्कि क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, सुबह सुबह चाय की चुस्की लेना भला किसे पसंद नहीं है, क्योंकि बाकी दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन हमारे भारत में चाय पीना हमारी रोज की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। कई लोगों के दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस चाय को पीकर आप पूरी तरह से फ्रेश हो जाते हैं वो आपकी सेहत पर क्या असर डालती है? अगर नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में दिखाए जाने वाले फैक्ट्स आपके होश उड़ा देंगे। खास करके पुरुष तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगी। दोस्तों, हमारे भारत में चाहे गांव हो या फिर शहर, हर जगह को मिलाकर तकरीबन 90% लोग सुबह सुबह खाली पेट चाय पीना पसंद करते हैं। और यही खाली पेट पी गई चाय हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि आजकल हमारे अच्छे वाले शरीर में कब कौन सी बीमारी लग जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि अचानक से लोगों को कैंसर तक की बड़ी बीमारी हो रही है। अगर बात पान गुटके की करें तो जो लोग इन्हें खाते भी नहीं है उन्हें भी बढ़ चढ़ कर कैंसर हो रहा है, और इस बारे में हम सोच भी नहीं पाते कि इसकी असली वजह आखिर क्या है। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी को नहीं पता चलता कि यह बीमारी शरीर में कब अपना कब्जा जमा कर बैठ गई है। और दोस्तों, सिर्फ कैंसर ही क्यों, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को शुगर तक की बीमारी हो रही है, यहाँ तक कि उम्र से पहले बालों का सफेद होना, मर्दों में शुक्राणुओं की कमी होना और औरतों को गुप्त रोग होना, यहाँ तक कि पथरी और दिल की बीमारी भी बस ऐसे ही लोगों को लगी जा रही है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी एक बार लग गई तो इससे निजात पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने आपको जिन बीमारियों के बारे में बताया उनमें से अधिकतर तो काफी जानलेवा है। ऐसे में दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बैड टी के नाम पर खाली पेट चाय की फरमाइश करते होंगे और खाली पेट चाय की चुस्की लेना पसंद करते हैं। उनके लिए तो ये वीडियो हमने खास तौर पर बनाया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विदेशों में जो लोग चाय पीते हैं वो ये चाय नहीं होती जो हम लोग भारत में पीते हैं। वहाँ पर लोग दूध और चीनी वाली चाय बिल्कुल भी नहीं पीते। हम भारतीयों को तो बिना दूध की चाय उबले हुए पानी की तरह लगती है, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, सुबह सुबह हमारे शरीर में एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इन चीजों के अलावा चाय पी लेते हैं तो हमें एनर्जी तो मिलेगी, क्योंकि चाय की चुस्की हमें अच्छी खासी एनर्जी पहुंचाती है। लेकिन चाय से मिलने वाली एनर्जी उस तरह नहीं होती जो हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि चाय के अंदर जो एनर्जी होती है वो शुगर और कैफीन की वजह से मिलती है, और यही दोनों चीज खाली पेट हमारे शरीर पर ज्यादा असर करती है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि चाय पीने के बाद हमारे पेट में ऐसा महसूस होता है कि वो पूरी तरह से भर गया है, इसीलिए हमें भूख भी नहीं लगती। ऐसे में क्या आपने ये बात सोचने की कोशिश की कि केवल एक कप चाय आपके पेट को कैसे भर सकता है? असल में दोस्तों, हमारे शरीर में कैफीन के कारण एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यही वजह है कि हमारा पेट भरा भरा सा लगता है। पर हम आपको बता दें कि यही एसिड हमारे शरीर का सबसे ज्यादा नुकसान करता है, क्योंकि पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें अल्सर और गैस की समस्या हो सकती है। गैस की समस्या होने के कारण जो हम खाना खाते हैं हमारा शरीर उस खाने को ठीक ढंग से पचा नहीं पाता। और शायद आपको न पता हो कि शरीर की अधिकतर बीमारियां हमारे खाने और पेट से शुरू होती है, क्योंकि अगर खाना ही सही ढंग से नहीं डाइजेस्ट होगा तो बीमारियों को आना तो लाजमी है। आप सुबह खाली पेट दूध वाली चाय पीते हैं या फिर बिना दूध वाली, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी, क्योंकि दोनों ही तरह की चाय आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएंगी। क्योंकि दूध वाली चाय पीने से तुरंत तो आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन बाद में जो आप खाना खाओगे उसे खाने के बाद आपको बहुत भयानक वाली सुस्ती छा जाएगी। यही कारण है कि जो लोग सुबह चाय या कॉफी का सेवन करते हैं वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उनकी एनर्जी इतनी तेजी से गिरने लगती है कि मानो उनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हो। यहाँ तक कि कुछ लोगों को उल्टी जैसा महसूस होना भी शुरू हो जाता है, और ये हाल केवल दूध वाली चाय का नहीं है।
बल्कि अगर आप ब्लैक टी भी लेते हैं तो इससे आपका पेट फूलन तथा भूख न लगने जैसी समस्याएं भी सामने आती है। ये सारी चीजें जो हमने आपको केवल चाय में मौजूद कैफीन के असर की वजह से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया, क्योंकि चाय के अंदर आपका चीनी यानी शुगर भी रहता है जो अलग ही नुकसान करता है। दोस्तों आप खुद ही सोचिए, अगर चीनी नुकसान न करती तो बड़े बड़े लोग शुगर फ्री चीजें क्यों खा रहे होते, वो भी हमारी तरह नॉर्मल चीनी की चीजें खा रहे होते। लेकिन नहीं, उन्हें पता है कि चीनी किस तरह शरीर का नुकसान करती है। ऐसे में दोस्तों हम आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप चाय पीना छोड़ दें, क्योंकि ये तो हमारे भारत की पसंदीदा ड्रिंक है, भला इसे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है और सही तरीका होता है, और आपको उसी सही तरीके को समझना है। इसीलिए खाली पेट कभी भी चाय मत पीना, बल्कि आप शाम के टाइम पर चाय पी सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। लेकिन सुबह खाली पेट चाय पीना बिल्कुल भी सही नहीं है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।